हेलो फ्रेंड्स, आई मुस्तफा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे इस वीडियो में स्टेट बैंक के योनो ऐप में रजिस्टर करना फर्स्ट टाइम, कैसे आप घर बैठे इस ऐप को एक्टिवेट कर सकते हो बिना बैंक और एटीएम गए। योनो को एक्टिवेट करने का प्रोसेस थोड़ा सा चेंज कर दिया गया, या आप यूं कह सकते हो कि ये प्रोसेस पहले से बहुत ही आसान कर दिया गया। ये ऐप हमारे बहुत ही काम का है। इस ऐप के जरिए हम अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकते हैं, हाल फिलहाल के ट्रांजेक्शन को चेक कर सकते हैं, किसी को पैसा भेजना हो तो इस ऐप के जरिए भेज सकते हैं, एटीएम कार्ड ब्लॉक कर सकते हो, नया एटीएम कार्ड मंगा सकते हो, चेकबुक भी मंगा सकते हो। अगर आपका क्रेडिट कार्ड है तो क्रेडिट कार्ड को लिंक करके आप अपने क्रेडिट कार्ड को मैनेज कर सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे काम है जो आप योनो ऐप के जरिए कर सकते हैं। और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि बहुत लोगों का योनो ऐप एक्टिवेट नहीं हो पाता, उनको किन बातों का ध्यान रखना है, और कुछ लोग यूजर नेम और पासवर्ड बनाने में गलती कर जाते हैं तो उनको किस तरह का यूजर नेम और पासवर्ड रखना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, सीखते हैं आगे वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है और यहां से आपको सर्च करना है योनो SBI। ये आप देख सकते हो, सर्च करने के बाद आपको ये ऐप दिखेगा, इस ऐप को करना है आपको इंस्टॉल। तो जब तक ये ऐप इंस्टॉल हो रहा है तब तक अपना एटीएम कार्ड निकाल लीजिए, एटीएम कार्ड की हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये ऐप हो चुका है इंस्टॉल, ओपन पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको नेक्स्ट इंटरफेस कुछ ऐसे देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हो। ये आपसे लोकेशन के लिए परमिशन मांग रहा है, आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको ऐसे दिखेगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमें दिखेंगे दो ऑप्शन, एग्जिस्टिंग SBI कस्टमर और न्यू टू SBI। अगर हमें न्यू अकाउंट खोलना है तो हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं न्यू टू SBI, लेकिन हम SBI के पहले से ही कस्टमर है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और ये आपसे फ़ोन कॉल के लिए परमिशन मांगेगा, उसको आपको अलाउ कर देना है। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे, ये आप देख सकते हैं। अगर आपके फ़ोन में एक सिम है तो फिर आपको ऐसे दिखेगा, अगर आपके फ़ोन में दो सिम है तो फिर आपको ऐसे दिखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर सेलेक्ट करना है, जो नंबर हमने बैंक में दिया है वो वाला। और ध्यान रहे, जिस फ़ोन में आपने योनो ऐप इंस्टॉल किया है उसी फ़ोन में आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए, तभी ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। और आपके नंबर से एक SMS भेजा जाएगा मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए, उसका 1.5 रुपये का चार्ज कटता है। तो वो भी आपको ध्यान रहे, आपके फ़ोन के मेन बैलेंस में एटलीस्ट 4-5 रुपये होना चाहिए, तभी ये प्रोसेस कंप्लीट होगा। अगर ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता तो आप 10-20 रुपये का टॉक टाइम डलवा लीजिएगा। तो चलिए रजिस्टर नंबर सेलेक्ट करते हैं और उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे यहाँ से, और आपको ये SMS के लिए परमिशन मांगेगा, आपको अलाउ पे क्लिक कर देना है। और उसके बाद ये ऐसे टाइमिंग चलेगा, ये आप देख सकते हैं, और ये देख सकते हो 1.5 रुपये का चार्ज भी हमें कट चुका है, जैसा मैंने आपको बताया था। चलिए ओके पे क्लिक करते हैं, और स्क्रीन ऐसे ही चलने देना, आपको छेड़ना नहीं है, ये ऑटोमेटिक आपको रीडायरेक्ट कर देगा नेक्स्ट पेज पे, ये आप देख सकते हो। और यहाँ पे लिखा है क्रिएट योर SBI इंटरनेट बैंकिंग क्रेडेंशियल। तो यहाँ पे हमें यूज़र आईडी और पासवर्ड बनाना है योनो ऐप के लिए, जो अभी हम आगे बनाएंगे। इस यूज़र आईडी और पासवर्ड की खास बात क्या है, सेम यूज़र आईडी और पासवर्ड से आप SBI की इंटरनेट बैंकिंग को भी लॉगिन कर सकते हो, अलग से आपको कोई यूज़र नेम या पासवर्ड नहीं चाहिए होता, ठीक है। तो चलिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट ऐसे दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेंगे दो ऑप्शन, रजिस्टर फॉर योनो विद माय एटीएम कार्ड, रजिस्टर विद अकाउंट डिटेल्स। अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हो तो हमें ब्रांच की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, हमें घर बैठे करना है तो हम क्या करेंगे, ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट वाला। इसके बाद नेक्स्ट ऐसे दिखेगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, अकाउंट नंबर एंटर करना है और अपना डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले यहाँ से हम अपना अकाउंट नंबर एंटर कर लेंगे, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ से डेट ऑफ बर्थ मतलब अपना जन्मतिथि। उसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, बर्थ का ईयर सेलेक्ट करना है, साल, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, और जो भी आपका बर्थ का ईयर है, साल है, उसको आपको ड्रैग करके सेलेक्ट कर लेना है, जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको बर्थ का मंथ सेलेक्ट करना है, जो भी महीना है, तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे, और जो भी बर्थ का मंथ है सेलेक्ट करने के बाद अब आपको डेट सेलेक्ट करना है, जो भी आपका बर्थ का डेट है, तो बर्थ डेट सेलेक्ट करेंगे। तो देख सकते हो हमने अकाउंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ एंटर कर लिया। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आपके रजिस्टर नंबर पे एक 6 डिजिट का OTP गया होगा, वो OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है।
इनकेस ओटीपी ना जाए तो आप रीसेंट ओटीपी क्लिक करके दोबारा से ओटीपी मंगा सकते हो। तो ओटीपी मेरे को आ चुका है, ओटीपी हम एंटर करेंगे और उसके बाद हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऐसे दिखेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो आपका नेम और CIF नंबर के आखिरी के 4 डिजिट आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे देखिए 3 चीज़ दे रखी है, हमें लास्ट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, ठीक है। ध्यान से अगर आप ऊपर का कोई भी सिलेक्ट करते हो दोनों में से एक, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आप व्यू पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे सिर्फ अपना अकाउंट देख सकते हो, बैलेंस चेक कर सकते हो, स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हो, मतलब उसमें ज़्यादा काम आप नहीं कर सकते। अगर आप लिमिटेड क्लिक करते हो तो सिर्फ अपने अकाउंट का बैलेंस चेक करने के साथ साथ आप अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हो, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, म्यूचुअल फंड वगैरह है, मतलब इसमें लिमिटेड काम ही आप कर सकते हो। हर तरह के ट्रांजेक्शन को करने के लिए आपको फुल वाले पे क्लिक करना है यहाँ से, और इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने ATM कार्ड का आखिरी का 6 डिजिट ये वाला आपको यहाँ पे एंटर करना है, और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है यहाँ से। इसके बाद नेक्स्ट पेज आपको ऐसे देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने ATM कार्ड का 4 डिजिट का पिन एंटर करना है, जिससे आप पैसे वगैरह निकालते हो ना, वो पिन आपको यहाँ पे एंटर करना है। पिन एंटर करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज ऐसे देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, यूज़र नेम और पासवर्ड बनाना है। यूज़र नेम और पासवर्ड कैसा बनाना है इसके लिए नीचे इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ एग्जांपल के साथ। यूज़र नेम में आपका 3 से लेके 20 करेक्टर का आप रख सकते हो, अल्फ़ाबेट और नंबर्स को मिला के, एग्जाम्पल मैंने साइड में दे दिया है। और पासवर्ड में आपका 8 से लेके 20 करेक्टर का रख सकते हो, इसमें आपका अल्फ़ाबेट रहेगा, 0 से लेके 9 तक कुछ भी रख सकते हो। स्पेशल कैरेक्टर आपको यूज़ करना है, ये देख सकते हो स्पेशल कैरेक्टर ये है, साइड में मैंने फिर भी एग्जांपल दे दिया पासवर्ड के लिए, ये आपको हेल्प करेगा। तो चलिए मैं यहाँ से पहले यूज़र नेम बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं एंटर कर लेता हूँ, और उसके बाद यहाँ से हम पासवर्ड को एंटर करेंगे, जो भी पासवर्ड आप बनाना चाहते हो, एग्जाम्पल आपको हेल्प करेगा। सेम पासवर्ड आपको नीचे री एंटर कर देना है यहाँ पर जो आपने ऊपर एंटर किया, और उसके बाद आपको कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। सारी डिटेल फिल करने के बाद कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमने योनो ऐप को एक्टिवेट कर लिया बिना बैंक गए। अब हमें सिर्फ 6 डिजिट का MPIN ही बनाना है, ताकि ऐप को लॉगिन करने के टाइम हमें बार बार यूज़र नेम और पासवर्ड ना डालना पड़े, 6 डिजिट के पिन से ही लॉगिन हो जाए। तो चलिए सेट MPIN पे हम क्लिक करते हैं यहाँ से, और उसके बाद ऐसे दिखेगा। ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, अगर आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है यहाँ से नेक्स्ट। इसके बाद आपको इस तरह का पेज देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको MPIN बनाना है, किस तरह का बना सकते हो साइड में मैंने एग्जांपल आपको दे दिया है, नीचे कुछ इंस्ट्रक्शन भी दी हुई है, ये आप देख सकते हो। आपको कुछ ऐसा नहीं बनाना है कि 3 बार 2 वगैरह हो, 1 2 3 4 5 6 हो, या आपके डेट ऑफ बर्थ से मिलता जुलता हो, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो साइड में मैंने एग्जाम्पल आपको दे दिया, कुछ अलग सा नंबर आपको बना के यहाँ पर एंटर करना है। तो चलिए मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर MPIN क्रिएट कर लेता हूँ। तो यहाँ से हम MPIN को एंटर कर लेते हैं, ये आप देख सकते हो, अपने अकॉर्डिंग आप बना लीजिएगा। उसके बाद सेम MPIN आपको नीचे री एंटर कर देना है, यहाँ से सेम पिन दोबारा आपको एंटर करना है, और उसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज ऐसे देखने को मिलेगा, ये आप देख सकते हो, आपके रजिस्टर नंबर पे OTP का होगा, OTP आपको यहाँ पे एंटर करना है। इनकेस ना जाए तो रीसेंट OTP पे क्लिक करके दोबारा OTP मंगा सकते हो। तो OTP मेरे को आ चुका है, OTP हम यहाँ पे एंटर कर देंगे, और उसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, और आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन, तो फाइनली हमने योनो ऐप में रजिस्टर कर लिया है। तो चलिए मैं आपको लाइव लॉगिन करके मैं दिखाता हूँ। तो जब भी हम इस ऐप में रजिस्टर करते हैं फर्स्ट टाइम, इसका इंटरफेस कुछ ऐसे देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको दिखते हैं कुछ ऑप्शन, जैसे लॉगिन का ऑप्शन, व्यू बैलेंस और क्विक पे। अगर पैसे भेजने हो तो यहाँ से भी भेज सकते हो, बैलेंस चेक करना हो तो आप व्यू बैलेंस में जाके बैलेंस चेक कर सकते हो। बाकी लॉगिन करके तो मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। लॉगिन करते हैं, आपको यहाँ पर MPIN एंटर करना है, जो हमने भी 6 डिजिट का बनाया था वो आप यहाँ पर एंटर कर लीजिए, और आप देख सकते हैं इस तरह का देखने को मिलेगा। इसको आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ नेक्स्ट पर क्लिक करते रहिए, यहाँ से नेक्स्ट करते रहिए, नेक्स्ट करते रहेंगे, और आप देखोगे कि इस तरह का इंटरफेस आपके पास आ जाएगा। तो फाइनली हम ऐप के अंदर भी आ चुके हैं। अगर आपको बैलेंस वगैरह चेक करना हो तो व्यू बैलेंस का देख सकते हो टॉप पे ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आप बैलेंस वगैरह अपना चेक कर सकते हो। और बाकी अगर आपको ये जानना हो कि योनो ऐप के किस फीचर का क्या यूज़ है,
कैसे इस ऐप का इस्तेमाल करना है, तो मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस वीडियो को आप 8 मिनट के बाद स्किप करके देख सकते हैं। तो फ्रेंड, इस तरह से आप योनो ऐप को एक्टिवेट कर सकते हैं। और अगर आपको स्टेट बैंक से रिलेटेड और भी कोई वीडियो देखना है, तो चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके ये सारे वीडियो देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो काफी यूजफुल लगा होगा आप लोगों को। अगर आपको थोड़ा भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक करना ना भूलें। इसे आप अपने फैमिली में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। हो सकता है किसी के लिए वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या डाउट्स है, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हो। और इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर लीजिए, ताकि कोई भी अपडेट आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।